जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आने वाला एक सप्ताह हम सबके लिए क्या लेकर आया है। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों के मन में आने वाले सप्ताह में सुकून बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तब जाके इंसान कुछ कर पाता है। आपके लिए भी हालात ऐसे हैं कि आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर सकें और अपनी मेहनत को बढ़ा सकें। बहुत अच्छा समय है जिसके चलते बड़ी सफलता का आगाज हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में आपकी मेहनत बढ़ेगी तो आपकी उपलब्धियां भी बढ़ जाएंगी। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें समर्पित रहेंगे तो आपको लोगों का साथ और समर्थन जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वाले आने वाले सप्ताह में अपनी लगन से जुड़े रहें, जरूर फायदा होगा। ऐसे में इंसान का भरोसा जग जाता है और फिर कुछ भी करना आसान हो जाता है। अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मसम्मान को उभारने का समय। कर्क राशि वालों को आने वाले सप्ताह में सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। किसी भी तरह की बातचीत में या कम्युनिकेशन में आपसे गलती हो सकती है जिसके चलते लोग आपके खिलाफ हो जाएं। सिंह राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में आर्थिक स्थिति सुनिश्चित है और बहुत कुछ करने के और पा लेने के मौके हैं आपके सामने, लेकिन जल्दबाजी का कोई भी विचार आपको नुकसान की ओर ले जा सकता है, खासकर किसी ऐसी चीज़ में जिसमें आपका दिल पहले से ही बना हुआ नहीं। कन्या राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में आर्थिक स्थिति ठीक है और कामकाज में हर तरह की बढ़ोतरी संभव। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे अब वो भी आपकी सहायता करना चाह रहे हैं, जिसके चलते काम में आपकी तरक्की हो जाए या फिर कोई बड़ी सफलता के द्वार खुल जाए। तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि काम में भी मन है और हालात भी मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी इस रूप से मजबूत है कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जा रही। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह अच्छा है। हालात आपके लिए हर तरह से मददगार हैं, पर रोज़मर्रा की चुनौतियाँ बहुत हैं। हर दिन जैसे कोई ना कोई नए मुद्दे को जन्म देता चला जा रहा है, इसलिए भी लोगों की आलोचना आपके प्रति बढ़ सकती है। धनु राशि वालों को अपने आने वाले सप्ताह को इस रूप से देखना होगा कि मन कितना भी क्यों ना भटक रहा हो, फिर भी लोगों पर भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा और वही भरोसा और वही अच्छाई आपको लोगों से जोड़ेगी। इसलिए अपने मन के असमंजस को हटाकर आपको लोगों के प्रति समर्पित होना सीखना होगा। मकर राशि वाले ये समझ लें कि आने वाला सप्ताह आपको लोगों के प्रति मददगार बनाए रखेगा, ये आपकी अच्छाई है, पर आपकी ओर से कमी ये भी है कि आपका व्यवहार कुछ सख्त होता चला जा रहा है, इसलिए आप अपने कदम कुछ हद तक पीछे भी हटाना चाह रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींच रहा है, पर आपको इस बात का भी आभास है कि शायद आपको अपनों का पूरा समर्थन न मिल पाए, इस वजह से भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आपके मन में बना हुआ है। मीन राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में घर परिवार की खुशियाँ बनी हुई हैं, पर फिर भी कुछ लोग आपसे खुश नहीं, इस बात को भी समझ लें कि उसका क्या कारण हो सकता है ताकि उसका समाधान भी ढूंढा जा सके। ये था जी आप सबके लिए आने वाले एक सप्ताह का राशिफल। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।